वेलकम टू माई चैनल कि हाल है जी तो आप सपनों जी वडा वडा वेलकम है और आज की जो मोटिवेशनल स्टोरी समझ लें या आज की स्टोरी एक ऐसी औरत के घर घूमती है जिसने अपने हस्बैंड को उस वक्त छोड़ दिया उस वक्त उसका ख्याल नहीं किया जब उसकी और उसकी बेटी को सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी ऐसी औरत की कहानी जो इतनी सेल्फिश थी जिसने अपनी ज़ात को अहमियत दी और अपने शोहर और अपनी बच्ची को छोड़ के दुनिया के ताने दुनिया के रहम पर छोड़ के अपनी ज़िंदगी बसा ली और उस फैमिली का और उस बच्ची का हाल क्या हुआ होगा जिसकी माँ जो है वो घर से छोड़ कर चले गई और किसी और के साथ उसने शादी कर ली ये नहीं सोचता इंसान जब कदम उठा लेता है एक औरत के ऊपर उसकी पूरे ख़ानदान की इज़्ज़त होती है ये बात सब जानते एक लड़की जो है ना वो बहुत नाजुक सी उसकी भले ख़ानदान में कोई इज़्ज़त नहीं होती भले कोई उसको कुछ समझता नहीं उसके पैदाइश पर सब जो है मूवी बनाते बहुत जगह ऐसा होता है कि बेटी की पैदाइश पर जो है बहुत ज़्यादा नाराज और नाराज़गी का इजहार किया जाता है मगर पूरे उस ख़ानदान की इज्जत उसी एक बच्ची के हाथ में होती है आप यकीन करें बड़े बड़े जितने भी शरफा कह लें बड़े बड़े अमीरजादे कह लें जो भी है अगर उनकी बेटी खुदा खास्ता भाग जाती है या कोई गलत काम कर लेती है तो उस पूरे ख़ानदान की इज्जत जो है ना वो खाक में मिल जाती है बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक जो है ना वो सब की बेटियों की जो है ना वो इज़्ज़त और उनकी उस सलामत रखे मैं हॉस्पिटल आई हुई हूँ पटेल हॉस्पिटल आई थी मेरी दादी की जो है वो ऑपरेशन था हॉस्पिटलाइज़ थी कल मैंने आपसे जो है वो दुआ का भी कहा था आप सब बहुत ज़्यादा दुआ की बहुत ज़्यादा दुआएं दी आप लोगों ने मैं इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ जिस वक्त आ चुकी हूँ हॉस्पिटल में मेरी दादी के जो है कल ऑपरेट हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह अब उनका ऑपरेशन सक्सेसफुल है और अब इन उनको रिकवरी में थोड़ा टाइम लगेगा आप सब ने दुआ दी मैं आप सबकी बहुत ज़्यादा शुक्रिया करती हूँ वापसी में जो है वो भूख लग रही थी तो सबू ले के पेटिस लेकर आ गए थे हम लोग चाय और पेटिस खा रहे थे तो मैं ये स्टोरी सुना रही थी कि अल्लाह पाक ने जो है ना इस्लाम में जो है औरत को बहुत बुलंदी दी है बहुत मर्तबा दिया है अपने नबी के थ्रू उन्होंने अपनी बेटी का दिखाया हमें हमारे सामने मिसाल है मगर जब वही बेटी कुछ ऐसे यहाँ पर कुछ बेटियाँ ऐसे काम कर लेती हैं कुछ शा, जो कि देखें शादी के बाद जो है ना वो ज़्यादा लड़कियों पर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अपने घर को मैनेज करने की आज की स्टोरी एक ऐसी खातून की है जिसने शादी की उसके हस्बैंड उसको बहुत प्यार करते थे बहुत ख्याल करते थे अच्छी जॉब थी एक बैंक में वो चार्टर्ड अकाउंटेंट थे उनके हस्बैंड ये स्टोरी मुझे बच्ची ने सुनाई है इन पेरेंट्स की बेटी ने सुनाई है इस ब्रोकन फैमिली की बेटी ने सुनाई है कि उसकी ज़िंदगी में क्या क्या तल हकीकत आई अच्छा ये रेसिपी दे रही हूँ आलू भाजी की इसके जो लिंक है ना वो डिस्क्रिप्शन में आपने ज़रूर इस रेसिपी को जो है ना वो ज़रूर देखना है तो इस बच्ची ने कल मुझे इंस्टाग्राम पे अपनी स्टोरी सुनाई और मेरी एक और एक स्टोरी आई थी जिसमें उनकी मदर ने भी अपने बच्चों को छोड़ दिया था तो उसने वहीं से ही मुझे भी अपनी स्टोरी सुनाई है ही कहती है कि हमारी में मेरे पेरेंट्स जो थे वो बहुत अच्छे से ख़ुशी खुशी रह रहे थे मुझे याद है मेरे अब्बू की अच्छी सी एक जॉब थी और हमारे अबू अपनी हैसियत से बढ़ के हमें अच्छे बड़े बड़े कराची के होटल्स में ले जाते थे डिनर कराते थे अम्मी को हसबैंड जो वो कहती थी उनकी फरमाइश पर चीज़ें दिलाना उनका ख्याल करना उनको घुमाना फिराना सब कुछ हमारे अबू ने किया बहुत एक अच्छी प्यार करने वाली ज़िंदगी थी और मेरी पैदाइश पर मेरे पूरा घर खुश था मगर सिवाय मेरी माँ के मेरी माँ चाहती थी कि उनको बेटा वो कहते थे कि बेटी की ज़िंदगी में जो है ना बड़ी मुश्किल होती हैं लड़की की ज़ात की ज़िंदगी में बड़ी मुश्किल होती हैं तो मैं इस वजह से नाराज थोड़ा दिल मेरा दुखता था कि मेरी माँ बहुत रोई थी मेरे पैदाइश पर और वो नहीं चाहती थी कि उनका बेटी की पैदाइश हो जिसका उन्होंने बार बार इजहार भी किया मेरे साथ उनका रवैया कुछ इतना ख़ास अच्छा होता नहीं था मगर मेरे फादर मुझे बहुत प्यार करते थे मेरी दादी मुझे बहुत प्यार करती थी मेरे ताया ताई रहते थे हम लोग ज्वाइन में रहते थे वो बहुत प्यार करते थे अच्छा ऐसा होता है कि मेरी अम्मी अब जब मैं सात साल की होती हूँ छः से सात साल की मेरे अबू की पैदाइशी आई सैट का मसला था उनकी आई सेट जो थी वो दिन बदिन कम होती जा रही थी जब मैं छः से सात साल की होने वाली थी तो मेरी अबू की आई सेट बिल्कुल मुकम्मल तौर पे तकरीबन आप समझ लें कि ख़त्म हो गई थी उनको बहुत कम दिखता था जॉब उन्होंने छोड़ दी अच्छा हम लोग अब जो है वो क्राइसिस में आ गए यानी फाइनेंशियली हम लोग क्राइसिस में आ गए और हमारे पास खाने पीने की तंगी होने लगी तो मेरी अम्मी क्या करती थी वो कपड़े सीना शुरू कर दिए उन्होंने दो ढाई साल उन्होंने बड़ी मुश्किल से मेहनत करके हमारा गुजारा किया जॉइंट में रहते थे जाहिर सी बातें दस मसले होते हैं दादी भी थी और ताया ताई भी थे तो ये सुनने को मिलता था कि घर हमारे ख़र्चे से चल रहा है तुम लोग क्या करते हो अबू की हालत आपको पता है कि आई साइड चले गई तो वो कुछ काम तो कर नहीं पाते थे अम्मी ने दो ढाई साल तक तो जो है बड़ी मेहनत की और घर का ख़र्चा चलाने की कोशिश की मेरे अखराजात अबू के अखराज दवाइयों का खर्चा और ये सब कुछ करती रही इसके बाद ऐसा हुआ कि हमारे नेबर में एक फैमिली आके रही और उनके एक लड़का था अच्छा उस सारी सिचुएशन को उसने कहा कि मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि वो सारी चीज़ें मैं अपनी माँ के आपको सुनाऊँ तो अम्मी ने जो है वो डिवोर्स का फ़ैसला किया अबू से कहा कि मैं तुम्हारे साथ इस कंडीशन में और मेहनत करके नहीं रह सकती मुझे डिवोर्स दे दो अबू को जब पता चला अम्मी की सारी सिचुएशन तो उन्होंने फ़ौरन उनको तलाक़ दे दी और बेटी जो है ना वो अबू ने कहा कि बस मैं तलाक दे रहा हूँ मगर तुम मेरी बेटी से बिल्कुल नहीं मिलोगी और अबू ने जो है वो मुझे मिलने से मना कर दिया अच्छा उस वक्त तक ऐसी थी मैं इतनी छोटी बन के घूमती थी कि यानी कि मैं फीडर भी पीती थी बहुत छोटी अम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच थी मैं अम्मी जो है वो उनके साथ चले गई और अम्मी ने वहाँ शादी कर ली मैं जो है वो अब मेरे साथ जो हुआ मैं आ गई जी ऐसे घर में आ गई जहाँ अबू जॉबलेस हैं मेरी माँ जो है वो हमें छोड़ कर किसी और के साथ जा चुकी है तो उस बेटी को सिवाए तानों के और बस बहुत तलख रवैये उसके बाद मेरे लिए शुरू हो गए मैंने अपनी ज़िंदगी जो उस तलखी में गुजारी कि मेरी माँ तो चले गई अपनी लाइफ सेट करने के लिए मेरे बाबा और मैं जो है वो रहमुकरम पर आ गए माशरे के अपने ताया ताई के अपने दादी के अब ऐसा होता था कि खाने के लिए भी तरस्ती थी अगर मैं एक कबाब तल लेती तो मुझे उस पर भी दस बातें सुनने को मिलती कि तुम तो हमारे टुकड़ों पर पल हो यानी कि तुम्हारे बाप तो जॉब करते नहीं हैं हमारा दिया खाती हो छोटी छोटी ख्वाहिशात छोटी छोटी चीज़ों के लिए मैं तरसना शुरू हो गई मुझे अगर फ्रिज में कोई चीज़ पड़ी है तो उसको भी हाथ लगाते हुए दस दफ़ा सोचना पड़ता था कि कहीं तई अम्मा आके इसके बारे में भी ना पूछे मेरी दादी की ब्रेन वॉशिंग शुरू हो गई मेरे लिए और मेरे अबू के खिलाफ हद तक है हमारी अम्मी ने ये दादी ने ये तक कह दिया कि तुम दोनों जो है ना वो यहाँ से जाने का कुछ करो क्योंकि कुछ खर्चा तो दे नहीं रहे हो घर में मुझे बहुत परेशानी हो रही है तो अबू ने यही कहा कि मैं जवान ये बच्ची है इसको लेकर मैं कहाँ जाऊँ इसको कौन संभालेगा मैं तो इस तरह कहूँ नहीं कि मैं देख सकूँ इसको तो बस वो बहुत मुश्किल वक्त था आप यकीन करें कि उस बच्ची ने कहा कि मैं ऐसी ज़िंदगी गुजार रही थी जैसे मैं यतीम हूँ ना मेरे माँ है और ना मेरा बाप है एक एक चीज़ के लिए तरसते हुए मैंने फिर खुद से जो है वो छोटी छोटी जॉब शुरू की ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया छोटी स्कूल में जॉब शुरू कर दी अपनी तालीम भी जारी रखी इस स्टोरी के साथ साथ आप देखिए उस बच्ची ने बहुत कह मैंने स्ट्रगल की मैट्रिक के बाद फ़र्स्ट टाइम मैं अपनी अम्मी से मिलने गई मेरे अब्बू ने कभी मेरी अम्मी को माफ़ नहीं किया उन्होंने कहा कि मैं इस औरत को कभी माफ़ नहीं करूँगा जो इसने मेरे साथ किया इस हालत में मुझे छोड़ कर गई तो मेरी अम्मी मैट्रिक के बाद मुझे एक दफ़ा मैं उनके साथ उनके घर गई तो वहाँ पर उनके दो बच्चे थे तो अम्मी वहाँ पर अम्मी का रवैया अम्मी के जो दूसरे हस्बैंड थे उनका रवैया बहुत सख्त था अम्मी के साथ बहुत ही बुरा रवैया था जिसका अम्मी ने मुझे भी मेरे सामने भी इजार किया कि अम्मी वहाँ पर भी खुश नहीं थी और बीच में ऐसा हुआ कि अम्मी ने एक दफ़ा फ़ोन भी किया था अबू को और कहा था कि मैं इनसे तलाक़ लेके वापस तुम्हारे पास आना चाहती हूँ तो अबू ने मना कर दिया था कि नहीं अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता मैं अब तुमने जिस तरह से मुझे छोड़ के गई अब मैं तुम्हें नहीं रख सकता और इस तरह से अबू और अम्मी का जो रिलेशनशिप था वो सारा का सारा सहना पड़ा मुझे अब अलहमदिल्ला मैं इतना कमा लेती हूँ कि मैं अपने अबू के तमाम दवाइयों का ख़र्चा उठा लेती हूँ अपने तमाम स्कूल और यूनिवर्सिटी की फ़ीस वगैरह मैं पे, पे कर लेती हूँ मैं अपने अखराज खुद उठा सकती हूँ अब जो है वो रवैये थोड़े से चेंज हुए अभी पिछले साल मेरी दादी जो है वो बेड पर आ गई थी तो उनकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे सर पर डाल दी गई थी कि तुमने ही इनका ख्याल करना है जब दादी बेड पर आई ना तब उन्होंने देखा कि फाइनेंशली तो लोग सपोर्ट करते हैं मगर फ़िज़िकली जो है ना सिवाय मेरे उनको कोई देखने वाला नहीं था तो दादी ने जो है वो मेरा बहुत साथ दिया उन्होंने भी मुझे कहा और कुछ जो है वो पैसे वगैरह उन्होंने मेरे नाम पर दिए मुझे भी दिए जो जो रखे उन्होंने जिसमें से मैं अपने खुद अच्छे से गुजारा कर लेती हूँ दादी ने उस मौके पर बहुत साथ दिया और दादी को रिलइज़ हो गया कि उनके उनके हाथों तो जो है मेरे लिए ज़्यादती हुई थी और उसको उन्होंने जो है कहीं ना कहीं अजाला भी किया दादी की डेथ हो गई अच्छा अभी कुछ माँ पाप पहले जो है वो मेरी मदर को भी जो है वो कैंसर डायग्नोज हो गया मम्मी को जो है मेरी कैंसर हो गया कहते हैं कि अल्लाह माफ़ कर देता है मगर ये बच्ची कहती है कि मुझे नहीं लगता अबू ने तो शायद माफ़ कर दिया तो अबू कहते थे मैंने माफ़ कर दिया मगर शायद अल्लाह माफ़ नहीं करते अल्लाह दुनिया में भी दिखाते हैं और आखिरत में भी जो है वो इंसान को दिखाता है जो वो करता है अच्छे काम करे बुरे आज एक और स्टोरी आपके साथ शेयर कि सनिया की दुनिया जिन्होंने अपने शोहर के लिए स्ट्रगल किया इस औरत ने इतनी वफ़ाशार औरत इसने अपने हस्बैंड को जिनको मुंह का कैंसर था उसके लिए ऑपरेट करवाया उसके साथ रही उसके साथ जुड़ी रही एक और कहानी जो मोटिवेट करती है सनिया की दुनिया ने जितना अपने शोहर के साथ मोहब्बत उस मौके पर जब उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी सनिया ने उनका ख़्याल किया उनके मेजर तीन बड़े ऑपरेशन की एक बस्ती लाइफ थी इसकी स्टोरी मैंने एक और अपनी वीडियो में भी शेयर की है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी सन्या की दुनिया की वहाँ से आप जाके अच्छे से उनकी स्टोरी सुन सकते हैं बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि सन्या के हस्बैंड की डेथ हो गई है और कल उनकी हस्बैंड की डेथ हुई बहुत अफसोस हुआ सुन के एक और है जिसने वफ़ा निभाई अपने शोहर की बीमारी में उसका साथ दिया उसका ख़्याल किया उसकी ऑपरेशन कराए उसके मुंह की ऐसी कंडीशन थी कि कोई देख नहीं सकता उसकी उनकी हालत ऐसी थी उनके हस्बैंड की मगर इस बंदी ने उसकी खाते जो है वो चैनल बनाया ताकि वहाँ से कुछ अर्न करके अपने हस्बैंड का ख़र्चा उठा सके उसके बावजूद जो है वो लोगों ने उनको प्यार भी दिया मगर मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि सन्या की दुनिया के चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो करें उनको मोटिवेट करें उनके हस्बैंड के लिए फातिया पढ़ दीजिएगा उनके लिए मफ़रत की दुआ कीजिएगा बहुत हिम्मत वाली खातून थी सन्या बहुत हिम्मत वाली खातून है अभी उनके तीन बच्चे हैं और मेरी अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह सनिया को और हिम्मत दे और ताक़त दे और बहुत ज़्यादा हौसला दे जिसने अपने हस्बैंड की बीमारी में भी उसका साथ दिया इसे कहते हैं वफ़ादार औरत इसे कहते हैं एक मजबूत औरत यही वो औरत है जो वाकई ही डिज़र्व करती है कि जो दिखा देती है कि वो कितनी ताक़तवर है कि अगर अल्लाह पाक उस पर कोई भी मुश्किल डालता है कोई भी परेशानी डालता है तो वो उसमें अपने हस्बैंड का साथ देती है अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ देता है अच्छे वक्त में तो हर इंसान आपका होता है जब आपके पास पैसे होते हैं सेहत होती है शोहरत होती है खूबसूरती होती है सब आपके साथ ही होते हैं मगर वफ़ा उसी वक्त पता चलता है जब दोनों में में से कोई एक बीमार होता है या कोई जिसको वक्त ज़रूरत होती है तब पता चलता है कि आपने जो है वो वफ़ा की या नहीं की तो सनिया के दुनिया के हस्बैंड के लिए बहुत सारी दुआएं हैं सनिया के लिए बहुत सारी दुआएं हैं अब उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी है बहुत ज़्यादा दुख हुआ और चैनल के थ्रू उनके लिए भी बहुत सारा सबर की दुआ है मेरी तरफ़ से आप भी सबर के लिए दुआ कीजिएगा बस ये एक छोटा सा व्लॉग था जो मैं